कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। आना तो पड़ेगा ही। बाय। प्लीज। अरे तुम्हारे इसी अदा के तो हम दीवाने हैं, समझिए आप। चलें। धीमे बेल मारो भाया, मने तो लागे मारो भाई कपूती आयो है। वो है तो सारो है भाई, कठे आयो आयो भाई आयो। वाह 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 वाह, पधारो पधारो गोरी। कपूर कपूर, क्या नगीना लाए हो आप? सेठ जी, अपने यहाँ से जो भी नगीना मिलता है हमेशा बढ़िया ही होता है। मारो पैसो भी खड़ो है, आले थारो इनाम चांद्रो टुकड़ो है। चलो गोरिया चलो उठे जाए, कहीं तारो मुखड़ो चमके, चांद्रो टुकड़ो है। अरे तू कपूते कहीं देखे, मने देख अठे। अरे मने देखने उठे चल, अरे गोरी मने देख बटे चल। तो है खैरियत ही तो नहीं है बेटा, रमा की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? मगर कैसे? किसका एक्सीडेंट हो गया पापा? तुम्हारी माँ का बेटी, वो कल न्यू मार्केट के पास सड़क क्रॉस कर रही थी, एक कार ने आकर धक्का मार दिया। इस वक्त वो अस्पताल में बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है? वो सीरियस तो नहीं है ना पापा? और ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर क्या कहता है? कुछ ठीक से नहीं कहते हैं, मुझे तो
जिंदगी और मौत का सवाल लगता है। पापा, आप फिक्र मत करिए, हम लोग कल सुबह की फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। बस 5 मिनट लगेगा जी, इसे जल्दी ठीक कर दीजिए प्लीज। रुकिए, एक्सक्यूज मी, मेरी टैक्सी खराब हो गई है और मुझे दादर से खंडाला के लिए गाड़ी पकड़नी है। सिर्फ 10 मिनट रह गए, प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? श्योर, कम है। खंडाला में रहती हो? जी नहीं, खंडाला में मैं पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी डैडी बॉम्बे में रहते हैं? जी नहीं, सिर्फ बड़े भैया हैं, हम लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। लोखंडवाला में? जी। क्या नाम है तुम्हारे भैया का? प्रेम कपूर। तो तुम प्रेम कपूर की बहन? जी, आप जानती हो उन्हें? अच्छी तरह से। वैसे हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, अगली बार जब आऊंगी तब मिलाऊंगी आपसे, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे वो। वैसे आपका नाम और पता? जब अगली बार आओगी तो सब बता दूंगी। अच्छा जी, वैसे तुम खंडाला में पढ़ती कहाँ हो? सेंट टेरेसा हाई स्कूल, 10th B। वैसे मेरा नाम बिम्मी कपूर है, भैया मुझे प्यार से गुड्डी कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुम हो भी तो गुड़िया जैसी। बस बस, आप यही रोक दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऑपरेशन हो रहा है बेटी। माँ कैसी है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन तो कर दिया है, चांसेस बहुत हैं, मगर जब तक वो होश में नहीं आती कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ बच तो जाएगी ना? इसके लिए इनको 3 महीने हॉस्पिटल में रहना होगा और उनके साथ कोई घर का खास आदमी होना ही चाहिए। ओके, चलता हूँ। माँ के साथ मैं रह जाऊंगी पापा। अजय बेटा, आप कह दीजिए ना, माँ के साथ मैं रह जाऊंगी। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती पापा, अगर आप चाहें तो मैं भी साथ ही रुक जाऊँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं अजय बेटा, हम दो ही काफी हैं। तुम जाकर अपना कारोबार संभालो और फिर खतरे की घड़ी तो टली गई है ना। टैक्सी आ गई है बेटा। आप चिंता मत कीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। अच्छा बेटी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। जी पापा, मैं भी इनको छोड़ के आती हूँ। अच्छा पापा। जी तेरा बेटा। शादी के बाद आज पहली बार जुदा हो रहे हैं। आप रह पाएंगे मेरे बिना? तुम रह पाओगी? और जाते ही फोन करना।
मॉर्निंग सर। गुड 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 मॉर्निंग सर। मौलाना हाँ कमाल है, आज तो गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं दिया साहब ने। हाँ पहले तो हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए जाया करते थे, पता नहीं आजकल तीन दिन से क्या हो गया इन्हें। लगता है साहब मूड में नहीं है। हाँ मियाँ, अब तो ये उतरा हुआ चेहरा देखकर अपना भी मूड हो गया खराब, ऐसे में भला काम क्या करेंगे खाक। मियाँ बेहतर यही है कि आज घर ही चला जाए। घर जाओगे? हाँ। मियाँ तुम्हें हमेशा घर ही जाने की सोचा करती है क्या? पांडे जी की क्रिकेट की टीम की तरह तुम भी अपनी टीम बनाने के चक्कर में हो क्या? लाहौल बिला कुव्वत ना मियाँ ना, पांडे जी तो माशाल्लाह सात पर पहुंच चुके हैं और हम खुदा का शुक्र है कि सिर्फ पांच पर ही अटके हुए हैं। मौलाना जलते हो तुम, जलते छोड़ो ये फाइल, मैं जरा साहब को दिखा कर लाता हूँ। क्या हम अंदर आई सरकार? जरा बाहर ठहरो। काहे सरकार? बोला ना जरा बाहर ठहरो। जी अच्छा सरकार। इनका कहना है कि पिछले तीन सालों में मैं और मेरी बीवी एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए, जबकि हकीकत यह है कि दिन के आठ घंटे मैं ऑफिस में होता हूँ और मेरी बीवी वहाँ मेरे साथ नहीं होती। आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये दिन के आठ घंटे ऑफिस में होते जहाँ मैं इनके साथ नहीं होती, मगर इस दौरान हम लोग आठ दस बार फोन पे बात जरूर कर लिया करते। जी साहब, स्टेनो को भेजो। स्टेनो तो आपके बाजू में खड़ी है साहब। सर मैं तो यही खड़ी हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है तुम जाओ। ठीक है, लेटर टू आवर डीलर इन दिल्ली। सर दिल्ली में तो हमारे बहुत से डीलर्स हैं, पर लेटर किसको लिखें? ठीक है आप भी जाइए, प्लीज पांडे साहब को भेजिए। ओके सर। May I come in, sir? आइए। सर आपने मुझे बुलाया? मैं क्या कह रहा था पांडे? सर आज तो आपने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है पांडे आप जाओ। अच्छा सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आधा वर्ष जनाब। यार मौलाना ये क्या हो गया साहब को? कमाल है। ये क्या खेल लगा रखा है आपने? बचपन से गोटी खेलने की आदत गई नहीं आपकी? काम करिए, काम करिए। अरे पांडे साहब। नमस्कार। नमस्कार कपूर साहब। नमस्कार, नमस्कार। और कैसे हैं आप? बस ठीक हैं। बॉस कहाँ है? अब आपको क्या बताएं कि बॉस कहाँ है? क्या मतलब? साहब जब से बॉस कलकत्ता से आए हैं अजीब हो गई हरकतें कर रहे हैं। क्या हुआ? कभी पियोन को कहते हैं स्टेनो और स्टेनो कहते हैं पियोन। आजकल दिन भर अंदर बैठे हुए सिगरेट पीते रहते हैं। आजकल दो ही चीजें तो देखने को मिलती है इस ऑफिस में, या तो फाइलों के ढेर और या फिर सिगरेट के टुकड़े। अरे सरकार अगर यही हाल रहा तो बंद हो जाएगा यह कारोबार। उल्लू बोलेंगे जो ऑफिस में उल्लू। पांडे जी आप चिंता मत कीजिए,
मैं उससे मिलता हूँ। अब आप ही बचा सकते हैं सरकार अब इस कारोबार को। धन्य है आप फिर वही करने लगे। काम करिए। पतिदेव, पूज्य पतिदेव, अब तो उठिए, अब तो सूरज देवता भी खिड़की में से झांक रहे हैं। सूर्य देव से कहो हमारी खिड़की से ना झांके, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बातें राज की भी होती है। देख लेगा तो देखने दो। जनाब अजय शर्मा साहब, और भी दुखे जमाने में मोहब्बत की जरूरत, समझे जी? बैठिए, नाश्ता करिए और जल्दी से ऑफिस आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ मेरे दोस्त आओ, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे यही मिलोगे। अरे भाई मैं क्या सुन रहा हूँ, जब से तुम कलकत्ता से लौटे हो बिल्कुल बदल गए हो। न कारोबार में दिलचस्पी लेते हो, न स्टाफ से ठीक तरह से बातें करते हो। टेबल पर फाइलों का अंबार और एक्स्ट्रे में सिगरेट का ढेर। अरे यार आखिर हो क्या गया तुम्हें? मैं खुद नहीं जानता कपूर मुझे क्या हो गया है। रमा के बगैर एक पल भी जीना दुश्वार हो गया है। हर पल उसकी याद सताती है। ऐसा लगता है जिंदगी की सारी खुशियां वो अपने साथ ले गई है। देखो अजय यार, दुनिया में लाखों इंसानों की शादियां होती हैं। कभी कभी तो वो पांच पांच साल एक दूसरे से जुदा रहते हैं, मगर तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाते। अरे तीन महीने आखिर होते क्या है यार, यूं देखते देखते गुजर जाएंगे। तुम 3 महीने की बात करते हो कपूर, यार 3 दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। यार तो फिर एक काम करो, किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। क्या किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी?